हेलो क्लास फोर के बच्चों, आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद लेखन बताने जा रहा हूँ। यह अनुच्छेद लेखन आपके लिए कितना महत्व है रखता जीवन में, आपके साहित्य आपकी भाषा में यह कितना महत्व रखता है इसको समझिए कि इसके लिए आपको क्या करना होता है। तो सेंटेंस वाक्य की रचना आपको करनी होती है, शब्दों के हिसाब से आप वाक्य का चयन करते हैं और उसके बाद अपने भाव को एक अनुच्छेद में एक पैराग्राफ में आप लिखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। देखिए कि यह कैसे लिखा जाता है। अब देखिए इसी चीज़ को आप यहाँ किताब में देखिए, जब मैंने एक सपना देखा। तो यह एक ऐसी बात है कि आपको खुद से सोच करके लिखना होगा कि आपने सपना देखा। अब सपना देखा तो क्या है, इस सपने के बारे में पहले आप सोचिए कि सपना क्या है। तो सोने के बाद सभी लोग सपना देखते हैं। कल रात मैंने एक अनोखा सपना देखा, मैं अपना गृह कार्य करते करते ही सो गया। सपने में मैंने देखा कि मैं फूलों के बगीचे में दौड़ रहा हूँ, मेरी पुस्तकें मेरा पीछा कर रही है। भागते भागते मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहाँ बहुत अंधेरा था। अचानक मुझे लगा कि मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। मैं एक तोज दोस्त वाली जगह में पहुंच गया, वहां मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई देती थी। जब मैंने ध्यान देकर सुना तो मेरी नींद खुल गई, वहां मुझे जगा रही थी, स्कूल जाने का समय हो गया था। देखिए इसमें तो ये एक छोटी सी सपने की बात विद्यार्थी के मन में आया और उसने उसको व्यक्त किया। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे।